दोस्तों, इस दुनिया में बहुत सारे लोगों को दुख मिलता है, बहुत सारे लोगों को दुख का सामना करना पड़ता है। किसी को दुख पसंद नहीं है, लेकिन हर एक को दुख मिलता है। क्या ऐसा एक भी व्यक्ति होगा जिसे दुख ना मिला हो? बहुत मुश्किल है। लेकिन क्या कभी आप सोचे हैं कि ये सारा दुख सिर्फ आपको मिला है? नहीं, सबको दुख का सामना करना पड़ता है, सबको। तो आज हम आप लोगों को एक ऐसी घटना के बारे में बताने वाले हैं जिसे इतना दुख मिला है, जिसे इतना दुख मिला है कि आप सोच भी नहीं सकते, आप कल्पना नहीं कर सकते, जिसके दुख को सुनकर आपका हृदय कांप उठेगा। लेकिन इतना दुख भोगने वाले को भी अंत में उन दुखों से मुक्ति का मार्ग मिला, उसे भी भाग्य मिला अपने सारे दुखों को दूर करने का। वो कैसे मिला, वो आप इस कहानी के माध्यम से समझ पाएंगे। दोस्तों, महात्मा बुद्ध के समय में श्रावस्ती में एक सेठ का परिवार था। सेठ के परिवार में एक बेटी का जन्म हुआ। बेटी का जन्म होने के बाद घर के लोग बहुत खुश थे, घर में बहुत खुशियां मनाई जा रही थी। धीरे धीरे वह बच्ची बड़ी होने लगी। वह बच्ची बड़ी होने के बाद बहुत सुंदर दिखती थी, इतना सुंदर कि देखने के बाद मन प्रसन्न होता था। चेहरा चमकदार था, आकर्षित था। माता पिता ने सोचा इतनी सुंदर बेटी को बहुत ध्यान से रखना होगा, कहीं भाग ना जाए लड़कों के साथ, क्योंकि उस समय में भी ऐसा था कि लड़कियां लड़कों के साथ भाग जाती थी। वर्तमान में भी है, आप देख रहे हैं। तो माता पिता ने बेटी को महल में ही ऊपर के एक कमरे में सेट कर दिया। सारा खाना पीना सेवा सब उसको ऊपर मिलता था, बाहर निकलने ही नहीं दिया जाता था। धीरे धीरे वो जवान हो गई, घर से बाहर नहीं जाती थी। तो कमरे में एक खिड़की थी, उसी खिड़की से देखती रहती थी। तो मालूम है उसे खिड़की से क्या दिखता था? उसे घर का एक दृश्य दिखता था, उसे घर का एक दृश्य दिखता था जहां घर का नौकर दिखाई देता था। उसकी नजर में सिर्फ वही लड़का दिखता था, नौकर। और धीरे धीरे इस लड़की के मन में उस नौकर के प्रति प्यार उत्पन्न हो गया। अब धीरे धीरे चुपके चुपके मिलती है, उससे बातें करती है। अब इसका मन पूरा उस लड़के के ऊपर चला गया। अब इसको महल में बहुत कष्ट होता था। कष्ट होता था मतलब सुख है, परंतु इसे चाहिए कहीं अलग जगह पर जाना। लड़की को महल अब जेल जैसे लगने लगा था। वो हजारों हजारों बार रोई, वो हजारों हजार बार रोई, अरे हमको उस लड़के के साथ जाने का मौका मिलता तो कितना अच्छा होता। और उसी बीच उसके माता पिता ने उसकी शादी के बारे में बात की। माँ बाप अपनी बेटी को बोलते हैं, बेटी तुम्हारी शादी के लिए एक सुंदर लड़का देखे हैं, हम तुम्हारी शादी करेंगे। बेटी बोलती है, माँ अभी क्यों शादी करेंगे, अभी तो हमको अच्छे से ज्ञान भी नहीं हुआ है। शादी करने के बाद तो फिर माँ पिताजी विदा हो जाते हैं, हम आपके साथ रहना चाहते हैं माँ। पिताजी आप मेरी शादी बाद में करें। लेकिन मन में क्या है, मन में है भाग जाने का। अगले दिन उसी नौकर के पास लड़की जाकर बोलती है, मेरे माता पिताजी मेरी शादी करवाने वाले हैं, लेकिन क्या तुम नहीं जानते हो, क्या तुम नहीं जानते हो मैं अपना पूरा दिल तुम्हें दे चुकी हूँ, मेरा यह पूरा जीवन तुम्हारा है, अगर तुम नहीं मिले तो मैं मर जाऊंगी, तुम नहीं मिले तो मैं जिंदा नहीं रहूंगी, मैं जहर खा लूंगी। बेचारा नौकर परेशान हो गया, असहाय हो गया, अब क्या करें, वह भी सोच में पड़ गया। अरे इतनी कोमल लड़की को हम कैसे लेके जाएंगे, इतने सुख से जीवन बिताए हुए कि हम कैसे देखभाल करेंगे। परंतु लड़की बोली, कुछ नहीं, मैं जो बोलती हूँ सुनना पड़ेगा, कल सुबह सुबह हम नौकरानी का रूप लेकर आएंगे, नौकरानी का रूप धारण करके आएंगे और कल सुबह भाग जाएंगे।
तुम कल सुबह तैयार रहना। तो दोस्तों, जब मन में राग उत्पन्न होता है तो मनुष्य को हित और अहित मालूम नहीं चलता है। इसीलिए भगवान बुद्ध बताए हैं, नत्थि राग समूह अग्नि, राग के समान दूसरा आग नहीं है। जब राग नाम की अग्नि से मनुष्य जलता है तो उसको कुछ नहीं दिखाई देता। अभी उस लड़की को देखिए, माँ पिताजी बचपन से जन्म देकर बहुत मेहनत से पाल पोसकर बड़ा किया था। उस माँ बाप को क्षण भर में भूल गई वो लड़की, क्षण भर में उस लड़के के साथ भागने के लिए तैयार हो गई, माता पिताजी के विरुद्ध जाने के लिए तैयार हो गई। वर्तमान में भी कितने सारे लोग हैं जो लड़के हैं या लड़कियां बिना माता पिता को बताए चोरी चोरी भाग जाते हैं। उसके मन में भी ऐसा विचार आया, लेकिन देखिए वो विचार कितना खतरनाक है। वह विचार बाद में बहुत ही दुखदायी है। इसलिए कभी भी आप लोग ऐसा निर्णय मत लीजिए, ऐसा गलत निर्णय माता पिता के विरुद्ध कभी मत जाइए। क्योंकि जो माँ बाप इतनी मेहनत से पाल पोस कर बड़ा किया, उनको दुख देना ठीक नहीं है। तो ये लड़की निर्णय ले ली, उसने सोच ली कि हम भागेंगे तो भागेंगे। अगले दिन सुबह सुबह चोरी चोरी नौकरानी का रूप धारण करके नौकर के साथ घर से भाग गई। अभी जा रहे हैं कैसे खुशी खुशी कि अब तो हमको पूरा फ्रीडम मिल गया, हम सुख से रह सकते हैं, लेकिन सुख ज्यादा दिन नहीं होता। आजकल के लोग भी भागते हैं वैसे ही खुशी खुशी भागते हैं कि अरे हम लोग तो घर के बंधन से मुक्त हो गए। परंतु उन लोगों को मालूम नहीं है कि भागने के बाद कुछ ही समय जाता है, फिर बहुत दुखों का सामना करना पड़ता है, बहुत दुखों का। दोनों दूर एक गांव में गए, गांव में जा करके घर बसाए, दोनों मिलकर छोटा सा झोपड़ी बना लिए। कुछ दिन खुशी का समय था, कुछ समय के बाद थोड़ा खुशियां और बढ़ गई, क्योंकि वो लड़की अब गर्भवती हो चुकी थी, बहुत खुश हो गई। लेकिन जब गर्भ बड़ा हुआ, 9 महीना का हुआ, तो उस लड़की को माँ याद आने लगी। सोच रही है हमने गलत किया, हमें भागना नहीं चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, हम अपनी माँ के पास जाएंगे, माँ से क्षमा मांगेंगे, माँ का छाया सुखदाई है। अपने पति को बोलती है कि देखो मैं अभी गर्भवती हो गई, अभी हमको माँ का उपकार चाहिए, माँ का उपदेश चाहिए, इसलिए हम लोग माँ के पास चलते हैं। क्योंकि माँ बाप बहुत ही दयावान होते हैं, हम लोगों को क्षमा कर देंगे, चलो। लेकिन पति डर गया, अरे मालूम है तू क्या कह रही है, हम भिखारी, हम नौकर, वो सेठ जी कभी क्षमा नहीं करेंगे हम लोगों को, हम नहीं जाएंगे। परंतु लड़की हमेशा बोलती रही कि नहीं चलो, वो हमेशा ना करते रहा। एक दिन पति जब लकड़ी काटने के लिए जंगल में गया था, क्योंकि वो लोग अपना जीवन ही बिताते थे लकड़ी काटकर, उसी दिन ये गर्भवती माँ बिना किसी को बताए चुपके से निकल गई, 9 महीने का गर्भ लेकर निकल गई माँ के पास जाने के लिए। देखिए, गलती करने के बाद माँ याद आती है, अभी निकल गई। शाम को पति जब घर आया, घर आने के बाद देखा कि पत्नी घर में नहीं है, वो बहुत परेशान हो गया। अगल बगल से पूछा तो पता चला कि वो तो चली गई। दौड़ करके पति गया पत्नी को खोजने के लिए। दौड़ कर जाने के बाद पत्नी मिल गई। रास्ते में एक जगह पर बहुत थकान होने के कारण एक जगह बैठकर आराम कर रही थी। यह जाकर के बोलता है कि तुम क्यों नहीं सुनती हो मेरी सुंदरी, क्यों नहीं मेरी बातों को मानती हो, चलो वापस घर चलो, मत जाओ।
इसके बाद उसकी पत्नी बोलती है, तुम अच्छा टाइम पर आ गए हो, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, लगता है बच्चा जन्म लेने वाला है। अब दोनों परेशान हो गए। आसपास इधर उधर देखा, एक छोटी सी झोपड़ी थी, झोपड़ी में गई, बहुत दुख के साथ बच्चे को जन्म दिया। बच्चे का जन्म होने के बाद दोनों खुश, दोनों बहुत ही हैप्पी हो गए। सोचा अब जरूरत नहीं है सेठ के घर जाने के लिए, चलो हम लोग झोपड़ी में चले जाते हैं। अपने गांव में दोनों वापस चले गए। कुछ दिन खुशी से रहे, कुछ समय के बाद दूसरी बार फिर गर्भवती हो गई। अब बोलती है, इस बार तो नहीं, इस बार तो माँ के पास जाना ही होगा, इस बार कुछ नहीं, हम तो माँ के पास जाएंगे। परंतु पति तैयार नहीं होता है, कैसे होगा, कितना बड़ा अपराध किया है, बिना माता पिता को बताए लेकर आया है। पति बोला, कुछ भी हो जाए हम तो नहीं जाएंगे। फिर एक बार वैसा ही हुआ, चुपके से जब वो गया था लकड़ी काटने के लिए, पत्नी फिर निकल गई। एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा भी है और एक गर्भ में भी बच्चा, गाड़ी नहीं, सवारी नहीं, कोई साधन नहीं, पैदल निकल गई। शाम को पति आया, देखा घर में पत्नी नहीं है, वह समझ गया जरूर चली गई होगी। दौड़कर पीछा किया, दौड़ रहा है, दौड़ रहा है, दौड़ रहा है, बहुत दौड़ने के बाद मिल गई। फिर पति बोलता है, अरे तुम क्यों नहीं मेरी बात मानती हो, चलो वापस घर चलो। पत्नी बोली, नहीं इस बार कुछ नहीं, हम नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे, दुनिया का कोई भी व्यक्ति हमें नहीं रोक सकता। पति सोचा, इस बार रोकना मुश्किल है, ठीक है हम भी चलते हैं, चाहे मारे चाहे जो करे, अब जाना ही पड़ेगा। दोनों निकल गए। शाम हो गई, आकाश में काले काले बादल छा गए। माँ को समझ आया, यानी उसकी पत्नी को, कि आकाश में बादल छा गया, जरूर बारिश होने वाली है। अपने पति से बोलती है कि अरे देखो, लगता है बारिश होने वाली है, बारिश में भीगना मेरे लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि हम गर्भ से हैं, हमारा छोटा बच्चा भी भीगेगा, इसलिए तुम जाओ, जाकर कोई बड़ा पत्ता लेकर के आओ, ताकि उससे बच सके, बच्चा भी पानी से बच सके। तो पति गया बड़े पत्ते की खोज में, बड़े पत्ते खोज रहा है, सारे जंगल में छोटे छोटे पत्ते हैं। और बारिश शुरू हो गई, बारिश तेज होने लगी। बारिश तेज होने के बाद उसका पति अचानक से घबरा गया, भारी बारिश होने लगी। इधर उधर दौड़ दौड़ कर देखने के बाद एक बड़ा पत्ता वाला पेड़ दिखाई दिया। जल्दबाजी में था, दौड़ करके गया पत्ता तोड़ने के लिए, लेकिन दौड़ करके जाने के बाद एक नाग के सिर पर अपना पैर रख दिया। उसे मालूम नहीं है, उसे तो सिर्फ पत्ता दिखाई दे रहा है। अब नाग ने उसे डस लिया, डसने के बाद उसके विष के प्रभाव से पति गिर गया और वहीं पर मर गया। अभी उसकी पत्नी भीग रही है, बारिश तेज हो रही है, पेट में दर्द भी हो रहा है। बच्चे के जन्म का समय आ गया, अब वह रो रही है, चिल्ला रही है, कहाँ गया हमारा पति, वो जानता है कि हम कष्ट में हैं, कहाँ गया वो? उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। बारिश में भीग रही है, एक छोटा सा बच्चा भीग रहा है, पेट में दर्द शुरू हो गया है, बहुत दुख हो रहा था उस समय उसके शरीर में, लेकिन किसी तरह बारिश में भीगते भीगते बहुत मुश्किल से बच्चे को जन्म दे दिया। क्या कभी आप लोगों ने बारिश में बच्चे को जन्म दिए? कितना दुख से वो जन्म दी होगी बच्चे को, अभी किसी तरह से बच्चे को जन्म दे दी, महाबारिश, एक भी झोपड़ी नहीं, सिर्फ जंगल। इसके बाद बच्चे को भी बचाना है बारिश में, नन्हा छोटा सा बच्चा, वो मालूम है क्या की, अपने पेट के नीचे रख के दोनों बच्चों को, एक छोटा बच्चा और एक नया बच्चा जो उसी टाइम जन्म लिया था, दोनों को अपनी गोद में रखकर उसी प्रकार रहती है, बारिश में बचाने के लिए बैठी है। अभी बहुत दुख से माँ भीग रही है, माँ रात भर बारिश में भीगती रही, सुबह आसमान साफ हो गया।
बारिश रुक गई। अभी एक बच्चे को अपनी गोद में उठा करके बोलती है, चलो बेटा तुम्हारे पापा को खोजते हैं, पापा कहाँ हैं तुम्हारे, चिल्ला रही है, कहाँ है सुनिए, सुनाई नहीं दे रहा है क्या, आप कहाँ हैं। उसके दिल में घबराहट भी हो रही है, डर रही है कि कहीं मेरे पति को कुछ हो तो नहीं गया। अरे मेरे पति को कुछ नहीं होना चाहिए, हे ईश्वर मेरे पति को कुछ नहीं होना चाहिए, अभी कामना कर रही है, लेकिन उसके दिल में डर है। इधर उधर गई, खोजते खोजते मिल गया, पति का शरीर गिरा हुआ है, समझ गई बगल में बिल भी था। अरे मेरा पति मर गया, सांप काट लिया। इसके बाद बहुत रोई, बहुत रोई, इतना जोर जोर से रोई कि पूरा जंगल कांप उठा, परंतु उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था, कोई नहीं सिवाय जानवर के। किसको बताए, कोई नहीं उसकी आवाज सुनने वाला, पत्तों से ढक करके चली गई रोते रोते। रास्ते में एक नदी मिली, क्योंकि एक नदी पार करके जाना पड़ता था, रात भर बारिश होने के कारण नदी में बाढ़ आ गई थी, पानी पूरा तेजी से जा रहा था। अभी ये नदी देख के एक बार नदी का प्रवाह देखती है, एक बार अपने बच्चे की ओर देखती है, इतनी तेज बाढ़ में हम कैसे जाएंगे, कल रात हम बच्चे को जन्म दिए हैं, हमारे शरीर में ताकत भी नहीं है, हम कैसे इन दोनों बच्चों को इस बाढ़ के पार लेकर जाएंगे। उसके दिल में डर आ गया, उसके दिल में डर आ गया। फिर वो जो बड़ा बच्चा था, थोड़ा चल सकता था, उसको इसी ओर बैठा कर बोलती है, मेरा प्यारा मुन्ना, हम तुम्हारे छोटे भाई को उधर रख कर आते हैं, तब तक तुम यहीं रहो, रोना मत, प्यार से बोलती है, बेटे के माथे पर चूम करके रख के चली जाती है नदी के उस पार। धीरे 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 धीरे, क्योंकि शक्ति नहीं है उसके शरीर में, कल रात बच्चे को जन्म दी है। इसके बाद लेकर के गई छोटे बच्चे को, छोटे बच्चे को रख दी नदी के उस पार, रख कर बोलती है, मेरे प्यारे बच्चे तुम यहीं रहो, रोना मत, हम तुम्हारे भाई को लेकर आते हैं। अब वो गई वापस और नदी पार करते समय वो नदी के बीच में आ गई। नदी के बीच में आते ही उसे कुछ सुनाई दे रहा है, क्या, चील की आवाज। वो देखती है छोटे बच्चे के चारों तरफ एक चील मंडरा रही है, समझ गई, अरे मेरे बच्चे को ये चील खाने के प्लान में है। वह जोर जोर से बोलती है, चील भागो भागो, चीखती है, चिल्लाती है चील को भगाने के लिए, परंतु चील नहीं भागी। धीरे धीरे मंडराते मंडराते बच्चे को अपने पंजे में उठा कर लेकर चली गई। वह चिल्लाती रह गई, चील नहीं सुनी, और पीछे मुड़ के जब देखती है तो दिखाई दे रहा है उसका दूसरा बच्चा। दूसरा बच्चा नदी में कूद गया है और सिर्फ उसका हाथ पानी के ऊपर दिखाई दे रहा है। ये तुरंत दौड़ी अपने बच्चे को बचाने के लिए, दूसरे बच्चे को लेकिन नहीं बचा पाई, पानी के प्रवाह में चला गया। क्यों? क्योंकि दूसरा बच्चा ऐसा सोचा, मेरी माँ मुझे बुला रही है, बच्चे को ज्ञान नहीं है, माँ बुला रही है, तो नदी में कूद गया। दूसरा बच्चा उसकी आंखों के सामने पानी में डूब कर मर गया। अभी वो नदी के पार आई, रो रही है, रो रही है, रो रही है, रो रही है, इतना रो रही है कि उसकी आंखों में आंसू खत्म हो गए, रोने के लिए आंसू नहीं बचे। कितना दुख हुआ होगा सोचिए, पिछले दिन अपना पति मर गया, आज उसकी आंखों के सामने दोनों बच्चे मर गए, कितना दुख हुआ होगा आप इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। किसी के जीवन में पति मरता है, पुत्र मरता है, बहुत रोते हैं, लेकिन तीन एक साथ मरना, कभी आप सोचे हैं उसके दुख का अंदाजा कितना हुआ होगा। बहुत रोई, रोते रोते जब सोची अब कहाँ जाएं, अपनी माँ के पास जाना चाहिए। अभी वो शहर में जा रही है, शहर में जाते समय धीरे धीरे उसको याद आ रहा है, धीरे धीरे उसको याद आ रहा है कि इसी रास्ते से हम भागे थे, पूरा उसको याद आ रहा है।
फिर शहर में जाकर एक बूढ़े दादा से पूछती है कि क्या आप जानते हैं कि उस फला सेठ जी का घर कहाँ है। तो बूढ़े दादा जी बोले कि बेटी क्या बताएं, बेचारे सेठ जी के परिवार में बड़ी दुर्घटना हो गई। कल रात जो बारिश हुई थी ना, तो उसी बारिश और तूफान से एक बड़ा पेड़ सेठ जी के महल पर गिर गया। उसके कारण सेठ जी की पत्नी और उनका एक बेटा तीनों मर गए। वो जो चीता दिखाई दे रही है, तीन तीन चीता जल रही है, वो तीनों चीता उन्हीं लोगों की है। ये कुछ नहीं बोलती है, धीरे धीरे उस चीता के पास गई, जाकर के चीता की ओर देख रही है। अभी उसकी आंखों में आंसू नहीं है रोने के लिए, कैसे इतना दुख बर्दाश्त करेगी, कैसे। उसको अब सब कुछ याद आ रहा है, मरा हुआ उसका पति उसको याद आ रहा है, उसकी आंखों के सामने उसका पति मर गया, मरा हुआ रूप दिखाई दे रहा है, स्कैनिंग हो रही फिल्म के जैसा, और उसकी आंखों के सामने दिखाई दे रहा है। अपने बच्चे को चील उठाकर ले गया, वो दिखाई दे रहा है। एक बच्चा नदी में डूबते हुए मर गया, वो दिखाई दे रहा है। और परिवार का, माता पिता का, भाई का चिता, सब दिखाई दे रहा है। दुख बहुत ज्यादा हो गया, दुख इतना ज्यादा हो गया कि उसको अब होश नहीं, होश खत्म। दुख शोक इतना ज्यादा हो गया कि उसका दिमाग काम नहीं कर रहा है, पागल जैसी हो गई। अभी रोते रोते सड़क पर जाने लगी, बोलती है मेरा बेटा मर गया, मेरा पति, मेरे माता पिता मर गए। ऐसे रो रो कर बोलती जाती है, परंतु कोई सुनने वाला नहीं था, कोई नहीं। इतनी बेहोश हो गई, इतनी पागल हो गई कि वस्त्र नहीं, निर्वस्त्र हो गई, वस्त्रहीन हो गई, उसे होश नहीं। इस प्रकार वह निर्वस्त्र होकर के रास्ते रास्ते पर दुख भोगती भटकती रही। कितना दुख मिला देखिए। उसी दिन अगर वह नहीं भागती, उसी दिन अगर वह नहीं भागती तो यह दुख का सामना करना पड़ता नहीं। इसी प्रकार दुख भोगते भोगते रोते हुए एक बार इसको एक अच्छे महान व्यक्ति का दर्शन हुआ। एक दिन भगवान बुद्ध श्रावस्ती के जेतवन आश्रम में प्रवचन दे रहे थे, तो प्रवचन देते समय अचानक कुछ लोग किसी को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। भगवान बुद्ध बोलते हैं, उसे मत रोको, उसे आने दो। वो आई बिल्कुल नंगी, वस्त्र नहीं है। भगवान बुद्ध उसे बोले, बहन होश में आओ। भगवान बुद्ध की वाणी सुनते ही उसको होश आ गया, अरे मेरा वस्त्र कहाँ है, इतने सारे लोग। शर्म के मारे अपने हाथों से अपने छाती को ढक लेती है। तब एक उपासिका एक बड़ा सा चादर उसको देती है, वो चादर से अपने शरीर को ढक लेती है। ढक करके बोलती है, भगवान मेरी मदद कीजिए, मेरी मदद कीजिए, मेरा पति मर गया, मेरी आंखों के सामने मेरे बच्चे को चील उठाकर ले गई, मेरा दूसरा बेटा मेरी आंखों के सामने पानी में डूब कर मर गया, मेरे माता पिता और भाई की चिता मेरी आंखों के सामने जल रही थी, भगवान मेरे दुख का ठिकाना नहीं है, आखिर मुझे इतना दुख क्यों मिला, क्यों मुझे ही मिला, भगवान मुझ पर दया करें, मेरे दुख को मिटाएं भगवान, मुझे अब और सहन नहीं हो सकता। भगवान बुद्ध बोले, यह संसार ऐसा ही है, यह संसार दुख से भरा हुआ है, इस संसार में दुख ही ज्यादा मिलता है, सुख बहुत कम, बहुत ही कम मिलता है, बहुत कम। भगवान बुद्ध बोले, इस संसार में सभी प्राणी कितना दुख भोगा है उपमा भी नहीं बता सकते। इस संसार में माँ मरने के कारण, पिता मरने के कारण, भाई बहन, पति पत्नी मरने के कारण इतना रोया है व्यक्ति लोग की उन आंखों से बहने वाले आंसुओं को जमा करेंगे तो वह आंसू इतना हो जाएंगे, मालूम है, सागर के पानी से ज्यादा आंसू हो जाएंगे।
इसका मतलब हम लोग इस दीर्घ संसार में, इस लंबे संसार में इतना रोए हैं, माँ पिताजी के मरने के कारण, भाई बहन पति पत्नी के मरने के कारण, वो आंसू जमा करेंगे तो सागर का पानी कम पड़ जाएगा। इस प्रकार सभी लोग इतना आंसू बहाए हैं, परंतु यह कौन जानता है? बुद्ध लोग ही जानते हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं, इस लंबे संसार में चोरी करने के कारण, हत्या करने के कारण राजा लोगों से दंड मिलता था। पुराने जमाने में चोरी करने से मालूम है क्या होता था? सीधा गला काट दिया जाता था। भगवान बुद्ध कहते हैं, गला कट जाने के कारण जो खून बहे हैं, वो खून जमा करेंगे तो इस लंबे संसार में सागर के पानी से ज़्यादा खून जमा हो जाएगा। कितना दुख मिला है, कितना दुख मिला है संसार के सभी लोगों को, यह सब दुख मिला है। आंसू जमा करेंगे तो सागर के पानी से ज़्यादा, रक्त जमा करेंगे तो सागर के पानी से ज़्यादा लोग इस लंबे संसार में ऐसा दुख भोगे, हम सभी लोग। लेकिन ये दुख खत्म हो गया है? नहीं, जब तक संसार में जाएंगे तब तक दुख मिलता रहेगा, दुख मिलता ही रहेगा। लेकिन जरा सोचिए, ये दुख कैसे खत्म होगा? प्रार्थना से नहीं, प्रार्थना से नहीं खत्म होगा, उसके लिए अनित्य भाव को समझना होगा। इस अनित्य भाव को समझने के लिए भगवान बुद्ध का धर्म, भगवान बुद्ध का ज्ञान समझना होगा, उसे बोध करना होगा, नहीं तो इन दुखों को दूर नहीं कर सकते। भगवान बुद्ध इस संसार में, इस ब्रह्मांड में सभी प्राणियों को सत्य बताते हैं, सत्य बता के उन्हें दुखों से मुक्त करवाते हैं। भगवान बुद्ध एक घटना के बारे में बताते हैं कि एक स्त्री थी जिसका नाम था बंदुल मलिका, उसके 32 बेटे थे, उसके 32 बेटे थे। जुड़वा, उसने 16 बार बच्चों को जन्म दी थी, हर बार जुड़वा, इसलिए 32 बच्चे थे और सभी बच्चे बहुत शक्तिशाली थे। और एक दिन वो स्त्री बंदुल मलिका भिक्षु संघ को दान दे रही थी। दान देते समय एक नौकरानी के हाथ से एक बर्तन गिरा और वह बर्तन गिरने से टूट गया। एक भंते जी बोलते हैं कि अरे बंदुल मलिका, गुस्सा मत करो, इस संसार में सब चीज टूट जाता है। तब मालूम है क्या हुआ? उसी क्षण के कुछ मिनट पहले एक संदेश आया था, एक चिट्ठी आई थी कि उसके 32 बेटों को और उसके पति को मार दिया गया है, गला काट दिया गया है। परंतु वो चिट्ठी पढ़ती है, पढ़ करके रख लेती है। ऐसा संदेश सुनते हैं आजकल के लोग तो पागल हो जाते हैं। एक साथ 32 बेटा और पति को मार दिया गया, मतलब वो अचल रही, चंचल नहीं हुई, वो भोजन दान देती रही। उसी के बीच उस दासी से वह बर्तन टूटता है। तब वह बोलती है कि भंते जी, आप ये चिट्ठी देखें, देखें ये चिट्ठी। और चिट्ठी निकाल करके भंते जी को दे देती है। बोली, भंते जी, कुछ समय पहले यह संदेश आया है कि आपके 32 बेटे और पति को मार दिया गया है। यह संदेश पढ़ के भी मुझे कोई दुख नहीं हुआ, मेरा मन चंचल नहीं हुआ, तो इस छोटे से बर्तन का क्या, एक छोटा सा बर्तन टूटने से क्या होगा मुझे? देखिए तो कैसा अचंचल मन था, कैसा अचंचल मन था उसका। बड़ा संदेश आने के बाद भी वो रोई नहीं, दुखी नहीं हुई। कैसे हुआ ये? क्योंकि वो भगवान बुद्ध का धर्म सुनती थी, भगवान बुद्ध के धर्म का बोध कर रखी थी। वो जानती थी कि जो कोई भी व्यक्ति जन्म लेता है वह जरूर मरता है, कोई भी अमर नहीं है। इस जन्म में, इस जीवन में बिना निमंत्रण के आया और बिना निमंत्रण के चला गया। जिस प्रकार से पका हुआ आम, आप लोग देखे ही होंगे, पका हुआ आम, आम का कोई सीमित समय होता है? निश्चित समय की ये पका हुआ आम सुबह में गिरे गया, दोपहर में या शाम को या रात को? नहीं, कभी भी वो आम गिर सकता है। उसी प्रकार सभी लोगों का जीवन है, उसी प्रकार सभी लोगों का जीवन है, बचपन में, जवानी में, बुढ़ापे में,
किस समय मृत्यु हो जाएगी पता नहीं, कभी भी मर सकता है। वो ऐसा बोध कर रखी थी वो बंधुल मलिका। जिस प्रकार मिट्टी का बर्तन एक न एक दिन टूट ही जाता है, उसी प्रकार संसार में सभी लोगों का जीवन है, पता नहीं किस दिन खत्म हो जाएगा। वो इस प्रकार का बोध कर रखी थी। जिस प्रकार पेड़ में पत्ते होते हैं, हरे हरे पत्ते, जब पत्ता पीला हो जाता है तो पीला हो गया वह पत्ता वापस हरा नहीं होता, उसी प्रकार जो व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है वह व्यक्ति वापस जवान नहीं होता। उसी पेड़ में और भी पत्ते होते हैं जो गिर जाते हैं। जिस प्रकार पत्ता पेड़ से गिर जाता है वापस पेड़ से जुड़ता नहीं है, उसी प्रकार जो व्यक्ति मर जाता है वह वापस जिंदा नहीं होता, वो वापस इस लोक में नहीं आता है। इस प्रकार ये सब बोध करना होगा। यह सब बोध करने के लिए भगवान बुद्ध जी का धर्म सुनना होगा, तभी आप लोग दुख दूर कर सकते हैं, दुखों के बीच में बिना शोक के रह सकते हैं। बंधुल मलिका इस प्रकार से सोचती थी कि सिर्फ मेरे ही घर में नहीं, इस संसार में सभी परिवार में कोई ना कोई मरा है। ऐसा एक भी परिवार नहीं है इस धरती पर जिस परिवार में कोई मरा ना हो। जरा आप सोचिए तो, क्या सिर्फ आपके ही परिवार में किसी की मृत्यु हुई है? नहीं, इस संसार में जितना भी परिवार है, इस धरती पर सभी के परिवार में मृत्यु हुई है। कोई व्यक्ति कितना भी रोए, मरा हुआ कभी जिंदा नहीं होता है। कोई व्यक्ति कितना भी रोए, मरे हुए व्यक्ति को सुनाई भी नहीं देता, तो रोने का क्या लाभ? रोने से कोई लाभ नहीं है। लेकिन इसको बोध करने के लिए भगवान बुद्ध का धर्म सुनना अति आवश्यक है, तभी ऐसा अचंचल और दृढ़वान मन बनता है, शक्तिशाली बनता है। तो इस प्रकार से धर्म बताने के बाद पटचरा सोतापान हो जाती है, भगवान से बोलती है कि मुझे भी अपनी शरण में ले लीजिए, और वह भी भिक्षुणी बन जाती है। भिक्षुणी बन करके धर्म का ज्ञान करके अरहंत हो जाती है, सभी दुखों से मुक्त हो जाती है, भवसागर से पार चली जाती है। देखिए कितना भाग्य मिला उसको, संसार से पार गई। जरा सोचिए, उसे अगर भगवान बुद्ध नहीं मिलते तो वो रोते रोते मर जाती। भगवान बुद्ध जैसा कल्याण मित्र मिलने के कारण उसका कल्याण हुआ। वर्तमान में कितने सारे लोग इस प्रकार दुख भोग रहे हैं, कितने सारे लोगों को ऐसा दुख मिलता है, परंतु आज भगवान बुद्ध नहीं है, लेकिन आज भी भगवान बुद्ध का धर्म अभी भी जिंदा है। भगवान बुद्ध जी का बताया हुआ वर्ण अभी भी है, उन सत्यवाणियों के द्वारा सभी लोग अपना दुख दूर करते हैं। बस उसे अपने जीवन में अपनाना होगा। भगवान बुद्ध जिस प्रकार बताए हैं उस प्रकार मनन करना होगा, तब आप लोग भी इस शोक से, इन दुख से दूर जा सकते हैं, दुखों से मुक्ति भी पा सकते हैं। बंधुल मलिका को देखें, भगवान बुद्ध के धर्म के कारण ही बहुत बड़े दुख के बीच में भी सुख से रह रही थी। पटचरा भी भगवान बुद्ध से मिलने के कारण अपने दुखों से मुक्त हो गई। इसलिए आप लोग भी इस सत्य घटना को अपने जीवन में अपना लीजिए, समझ लीजिए कि यही है स्वभाव, यही है संसार, दुख से भरा हुआ, दुख से भरा हुआ। बस भगवान बुद्ध के धर्म पर चल करके अपने दुखों को मिटा सकते हैं। इसलिए यह धर्म, यह सत्य दूसरों को भी बताइए, दूसरों को भी सुनने के लिए वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो शोक से युक्त हैं, शोक से भरे हुए हैं। लेकिन अगर लोग ये धर्म सुनेंगे तो उन लोगों का शोक दूर हो जाएगा, शोक दूर हो जाएगा। संसार में सत्य बहुत कम सुनाई देता है, आप लोग जानते हैं, आप तो जानते हैं, इसलिए ये सत्य सबको बताएं, दूसरों को भी सुनाएं, आप लोगों का सारा दुख मिट जाएगा। भगवान बुद्ध के आशीर्वाद से आप सभी लोगों को जो शोक है
जो दुख है वह मिट जाए, ये धर्म का रास्ता प्रैक्टिस करते रहो। और आप सभी लोगों को भी भगवान बुद्ध के आशीर्वाद से आप सभी को धर्म मनन करने का भाग्य मिले, दुखों से दूर होने का भाग्य मिले, खुश रहने का भाग्य मिले। हम यही प्रार्थना करते हैं कि आप सबका कल्याण हो, आप सबका मंगल हो, आप सभी लोग सदा सुखी रहें। ये थी आज की कहानी दोस्तों, आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे अभी तक नए हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।